हरियाणा के सियासी रण का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि कल वोटिंग होगी और वोटिंग के साथ ही जो वोटर्स हैं हरियाणा के वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तमाम सियासी सूरमाओं की किस्मत को कैद करेंगे। और जो महीने की जद्दोजहद देखने को मिल रही थी, महीनों से तैयारियां या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर इनेलो, जेजेपी, ये तमाम पार्टियां जो कर रही थी, वो अब उसका भाग्य का जो फैसला है वो वोटर्स के हाथ में है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब जनता की बारी है, जनता की क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ हिसार से एसोसिएट एडिटर है टोटल न्यूज के डॉक्टर महेश कुमार लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, हिसार का चुनाव, खासकर हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो बेहद कांटे का मुकाबला है क्योंकि चौटाला परिवार भी है, ना सिर्फ हिसार बल्कि और लोकसभा सीटों को लेकर भी बेहद दिलचस्प समीकरण देखे गए हैं। अब जनता की बारी है, क्या कुछ तैयारी है, प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिलेगा, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार क्या कुछ अंदाजा है, कुछ अप होगा, हाइक होगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, हिसार सीट का आप जिक्र करें तो 17,90,722 मतदाता यहां पर जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें ये संख्या दी गई है। इसके अलावा 297 क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ है वो यहां पर चिन्हित किए गए हैं, 1,764 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,312 पोलिंग पार्टियां जो है आज रवाना कर दी गई हैं, और कह सकते हैं कि 11 थर्ड जेंडर जो वोटर्स हैं वो भी इस वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड नजर आ रहे हैं। और खास बात यह भी कि तमाम जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनकी वेबकैम के जरिए वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी लाइव प्रसारण किसी भी पोलिंग बूथ का देखा जा सकता है, ये यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से सुनिश्चित किया गया। अब आप जिक्र कर रहे थे कि चुनावी उत्साह किस तरीके का लोगों में देखने को मिल रहा है, जबरदस्त उत्साह पिछले एक महीने के दौरान जो है चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग हैं वो अच्छा खासा उत्साह दिखाते हुए नजर आएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए जो वोटर्स हैं वो यहां पर अच्छा खासा उत्साह दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उत्साह में दोनों ही तरफ से किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में, उनके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और उत्साह की कमी यहां पर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थकों में, नेताओं में, वोटर्स में भी कम देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा जो गेम यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए समर्थन का मान रही है वो साइलेंट वोटर का मान रही है। भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि जो लोग खुलकर सड़कों पर सामने नहीं आ रहे, जो लोग खुलकर जो है कार्यकर्ताओं का या कहें कि उम्मीदवारों का स्वागत नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, झंडे नहीं लगा रहे हैं, उनके स्वागत कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानकर चल रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि सक्रियता ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार के दौरान इन कार्यकर्ताओं में देखने को मिली, और साइलेंट वोटर को भी कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के आधार पर अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती रही। फिलहाल कल का जिक्र करें तो बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कल भी पहुंचेगा, झुलसा देने वाली गर्मी, लू के थपेड़ों का सामना दिन भर लोगों को करना पड़ेगा। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शहरी क्षेत्र है, हिसार शहर का मैं जिक्र कर रहा हूं, या दूसरा जो भी विकसित शहरी क्षेत्र है वहां पर ये माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज है वो निम्न रह सकता है, कम रह सकता है, क्योंकि दिन भर सुबह का जो है दिन निकलने के साथ ही लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, रात में भी जो हवाएं हैं काफी गर्म इस वक्त महसूस हो रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो एलीट क्लास के लोग हैं वो हो सकता है कि फिर मतदान केंद्रों तक कम संख्या में पहुंचे, तो शहरी क्षेत्र का जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्साह में किसी भी तरह की कमी शहरी क्षेत्र में भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो यहां पर गर्मी से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो रुकने वाले नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोशिश ये करेंगे कि सुबह सवेरे या फिर जो है दोपहर का वक्त बीतने के बाद यानी शाम के करीब जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों का भुगतान वो कर दें, ये कोशिश यहां पर की जा रही है। तो कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो ओवरऑल है अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा, और यहां पर एक तरीके का दिलचस्प मुकाबला कह सकते हैं कि कमजोर कोई भी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल महेश, एक वोट पूरे गेम को चेंज कर देता है, पूरे चुनाव को चेंज कर देता है, हार जीत तय करता है, यह कभी भूलना नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि वृद्ध अतिवृद्ध वोटर्स के लिए भी क्या चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग सेंटर्स पर कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ओल्ड एज लोग भी वोट अपने डालने आएंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? The cat sat on the mat.
देखिए हिसार, अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 85 प्लस यानी 85 के पार जिनकी उम्र है उनकी कुल वोटर्स की संख्या 23,089 रजिस्टर की गई, यानी 23,089 जो वृद्ध वोटर्स हैं वो, हालांकि एक दो दिन पहले भी इनका वोट करवा लिया गया है, एक नया प्रोविजन यहां पर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से जिसमें 85 के पार जिन वोटर्स की उम्र है उन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा दी गई थी, पोलिंग पार्टियां बकायदा इसके लिए रवाना की गई थी और ये 85 के पार जो बुजुर्ग हैं इनके वोट जो है एक दो दिन पहले ही हासिल कर लिए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों के वोट अब हासिल किए जा रहे हैं और थोड़ी सी यहां पर कर्मचारियों में बेचैनी भी देखने को मिली है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार सूचना दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों के वोट जबरन डालने की कोशिश की जा रही है, कर्मचारियों में रोष है, जो लोग पोलिंग ड्यूटी पे मौजूद हैं मुस्तैद हैं उन्हें या तो वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है या फिर उनके वोट जो है खुद ही कास्ट किए जा रहे हैं, उसमें घालमेल की जो सूचना है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है उठाने की कोशिश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और जिला उपायुक्त से भी मुलाकात की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से की जा रही थी कि कर्मचारियों पर गलत तरीके से दबाव जो है वो बनाया जा रहा है, ये सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 85 की उम्र के जो ज्यादातर वोटर्स हैं उनके वोट पहले से हासिल किए जा चुके हैं, अब कर्मचारियों के वोट भी बैलेट वोट्स के जरिए हासिल किए जा रहे हैं, जो कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनके बैलेट वोट के जरिए जो है वोट हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें घालमेल की जो सूचनाएं है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और खुद उम्मीदवार उठाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल ये मानकर चलेंगे कि जिस तरीके का मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है, जिस तरीके का दिलचस्प चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, तो वोटर भी घर से निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, पारा भी बढ़ रहा है महेश, और ऐसे में बढ़ते पारे में मतदान कितना प्रभावित होगा, वोट परसेंटेज कितना ओवरऑल रहेगा, ये शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, नजर आप बनाए रहें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।